दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में सिर्फ किसान ही भाजपा को नहीं घेर रहे, बल्कि विपक्षी दलों द्वारा भी तीनों कृषि कानूनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर दिन देश के विपक्षी दल भाजपा सरकार से किसानों को MSP दिए जाने की गारंटी की मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज संसद में भी PM मोदी का घेराव किया गया, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और भगवंत मान समेत अन्य नेताओं ने संसद में ही कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसका वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए संजय सिंह ने भाजपा पर किसानों की छवि खराब करने पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए, तानाशाह सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री के सामने किसानों के हक में हंगामा, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। आप नेता संजय सिंह द्वारा शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि संजय सिंह और भागवत मान लगातार किसान विरोधी काला कानून वापस लो के नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से MSP की गारंटी देने की मांग कर रहे थे। ये नेता अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़े हुए थे, जिस पर लिखा हुआ था कि MSP का कानूनी अधिकार दो। आपके दोनों नेता संजय सिंह और भगवत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि ठंड में किसान मर रहे हैं, लेकिन PM मोदी ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। जब PM मोदी वहां से भागने लगे तो आप नेता भगवंत मान ने ऊंची आवाज करके उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल PM मोदी सांसद में एक कार्यक्रम के चलते पहुंचे थे, इस दौरान सांसद में कई नेता मौजूद थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब TVN लाइव। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में भिड़ रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए।